भाई ने मेरी राम राम। कुछ मेरे यूथ भाई यूथ बहन खड़ी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वैलेंटाइन तो है नहीं। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई क्या नाम आपका? भाई मृत्युंजय। स्पेलिंग याद करनी कई दिन लग जाओ मैंने। कोई नहीं, बता दूँ भाई। अच्छा अच्छा, तो महामृत्युंजय मंत्र जी क्या कुछ स्पेशल चल रहा है, कहाँ पढ़ते हो आप? भाई गवर्नमेंट कॉलेज पीजी जी। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। ठीक है यार, स्पेलिंग मेरा लिया तू। भाई जी क्या नाम आपका? शुभम। गवर्नमेंट कॉलेज से? हाँ जी। सुनील नाम है जी, गवर्नमेंट कॉलेज। माई सेल्फ अनु। हम लोग हैबतपुर गांव में पहुँचे हुए और हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफिकल सर्वे के लिए आए हुए थे। यहाँ पे हम लोगों ने गांव में घर घर घूम के यहाँ पे सर्वे किया है टुडे। क्या सर्वे कर दिया यहाँ पर? यहाँ पे ज्योग्राफिकल। कौन सी पार्टी जीती ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ सर्वे नहीं किया। बस फील्ड सर्वे किया है यहाँ पे कि कितने घर हैं, उनमें कितनी कितने लोग रहते हैं, ये सब किया है। डाटा कलेक्ट किया है यहाँ। अच्छा, डाटा कलेक्ट किया। वो डाटा किसके काम आएगा? हमारे काम आएगा क्योंकि हम बीए फाइनल के प्रैक्टिकल। तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छा लगा, हमें सबने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, किसी ने मना नहीं किया, बहुत ही अच्छा। चाय पानी पूछी कि नहीं पूछी? हाँ जी बिल्कुल पूछी है। बिल्कुल पूछी? हाँ भाई पूछी। हाँ, झूठ तो नहीं बोलती सच्ची। अच्छा, तो कैसा लगा भाई यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बिल्कुल। कुत्तों ने हमें काट लिया होता। अच्छा, कुत्तों ने? इस गांव में कुत्ते बहुत हैं भैया। अब आजी भाई जी आ जाओ अकेले। अच्छा, अरे भाई साहब अकेले ना, फोन पे लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, बतला भाई बतला बतला। मैं देखो तो होटल है, दिमाग कुछ तो बात चल रही है। अच्छा अच्छा, तो जी और क्या कुछ लगा फिर? सर्वे किया तो पूरे गांव का सर्वे हो गया? या पूरे का तो नहीं, कुछ एक दो घर रह ही गए हैं हमारे। फिर क्यों रह गए वो? दिया नहीं, कुछ ने दिया नहीं, कुछ थोड़े डाउटफुली लोग होते हैं, कुछ शक्की। हाँ, वो सोचे कहीं इनकम वाले हमारे घर पे छापा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है? या छापा मारने के बालक है ये। लंबे लंबे है ना, तो ऐसा भी लगा होगा उन लोगों को, इनकम टैक्स वाले आए हुए हैं तो इस कहां पे लंबे ये अंकल। भाई लड़कियों के सामने इतनी बेइज्जती यार। नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है। अच्छा, इतनी तो सहन कर लेते हैं हम, इतनी तो होती रहती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे बात करता हूँ। कल परसों जो हमला हुआ आतंकवादियों, उस पर हमारे यूथ का क्या कहना है? हमें यही है कि हमें एक तो भावना होती है कि बदले की भावना, फिर हम यही है कि हम अपना माइंड लगा के हम कैसे इसको, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हमने उनकी व्यूज सुनी कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, उन्होंने बैठक भी की। हम बस यही है कि हमारे अंदर जुनून हो, हम भी कुछ अपनी पावर को बढ़ा सकें, तो इस वजह से हम पाकिस्तान को हम कुछ जवाब दे सके बदले में हमारा टेक्निकली तरीके से। या हाँ, उसके लिए हम मतलब परमाणु बम डाल के कैसे जवाब? नहीं 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 नहीं, जैसे उन्होंने अटैक किया है ये बहुत ही गलत किया है, पीछे से हमला किया उन्होंने एक तरफ से। अगर आगे से तो हमला करने की औकात नहीं है ना, अगर दम है तो सामने आके हमला करे। सामने हमारे कुत्ता पीछे से ही काटता है। हमारे जवान उन्हें बहुत अच्छे से जवाब देंगे। हाँ जी हाँ जी, या हम देंगे उनको जवाब देंगे। और अभी मेरे गाँव में ही रैली निकाली गई कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो अभी रोज फैला ही हुआ है सब इंडिया में उनके खिलाफ, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही। अपना क्या कहना भाई? ओके, जो आतंकवादी हमला हुआ उस पर अपना क्या कहना है? सही तो हुआ नहीं है। तो अब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मोदी जी को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा सबर से काम लें, सोच समझ के जो करना है सोच समझ, रिलैक्स होकर काम, रिलैक्स होकर। तो आना आफतदारी में कुछ नहीं करना, ठीक नहीं रहता, तो थोड़ा सा सोचे विचार करे कैसा ठीक रहेगा, उसी हिसाब से काम करे। ओके ठीक है भैया। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? अभी ठीक कह रही है, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव? एजुकेशन सिस्टम में ऑटो भी आ गया आज। ओके ओके, एक सवाल मेरा आपसे। हाँ सर, जो ये आपका हेयर स्टाइल है इसके पीछे क्या राज है आपका? यार इस हेयर स्टाइल के बिना मैंने कोई पहचानता को नहीं, इज्जत रखना मजबूरी हो रही है। ठीक है भाई, तो भाई बच्चों से ये घूम रहे थे, मैंने स्कूटी रोक ली, इनसे बातें पूछ ली। आपको ये कैसा लगा तो भाई नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू भाई, जय हिंद।